अस्सलाम दोस्तों, ज़ेड़ा चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रांसफार्मर होता है खंभों के ऊपर, इसके मुतालिक उसकी कुछ ज़रूरी हिस्सों के बारे में बताऊंगा। दरअसल मैं एक वर्कशॉप में खड़ा था, मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, ये जो बाहर पोल के ऊपर ट्रांसफार्मर होता है, इसमें आमतौर पर आपने देखा होगा हमारे पास इस तरह की तीन इंसुलेटर्स लगे होते हैं। दरअसल ये HT इनको कहते हैं, हाई टेंशन। यहाँ पर 11000 वोल्ट इनपुट दी जाती है। ये जो दोस्तों आप टर्मिनल देख रहे हैं, ये रेड, येलो, ब्लू, ये चार तरह के हैं। इसको LT कहते हैं। यहाँ से 220 वोल्ट आउटपुट हमें मिलती है, और इसके अंदर जो है एक न्यूट्रल होता है दोस्तों, और तीन जो है वो फेज़ होते हैं। ये आप जो जगह देख रहे हैं, ये टेपिंग है, ट्रांसफार्मर टेपिंग, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करवाने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर जो आप ये पाइप्स देख रहे हैं, इनके अंदर किसी तरह की कोई वाइंडिंग नहीं होती। इनके अंदर सिर्फ जो है ट्रांसफार्मर ऑयल सर्कुलेशन करता है। जब वो इसके अंदर गर्म हो जाता है, ऊपर कोटता है दोस्तों, यहाँ पर ये यहाँ से इन पाइपों के ज़रिए ठंडा होकर दोबारा नीचे को जाता है, फिर अंदर से गर्म होकर ऊपर कोटता है। तो दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर है, ये बतौर स्टेप अप भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बतौर स्टेप डाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इनकी जो लो टेंशन वायर्स हैं, यहाँ पर अगर आप 220 वोल्ट या 440 वोल्ट इनपुट फराहम करेंगे, तो यहाँ से ये 11000 वोल्ट हमें वापस देगा। लेकिन अमूमन यहाँ पे हम 11000 वोल्ट देते हैं, तो यहाँ पर 220 वोल्ट जो है इसके अंदर वो हमें 220 या 440 वोल्ट वापस मिलते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।